चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है मंगलयान का अंत। मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन अर्थात मशहूर मंगलयान ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। इसके मिशन के 8 लंबे वर्षों के बाद मंगलयान का ईंधन खत्म हो गया था। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन के मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया है, जिससे भारत के इस मंगलयान मिशन का अंत हो गया है। इसकी पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर दी है। मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट ने 8 साल तक लाल ग्रह की परिक्रमा की और महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो तक पहुंचाई है। इसरो ने इसकी पुष्टि की है। इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर के 8 साल पूरे होने के अवसर पर 27 सितंबर को आयोजित एक राष्ट्रीय बैठक में मार्स ऑर्बिटर के बारे में अपडेट दिया था। इसरो ने बताया कि मार्स ऑर्बिटर का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया है। इसे 6 महीने के जीवन काल के लिए डिजाइन किए जाने के बावजूद MOM मंगल ग्रह पर और साथ ही सौर कोरोना पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिणामों के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में लगभग 8 वर्षों तक रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने बताया कि मार्स ऑर्बिटर का ईंधन समाप्त हो जाने के कारण यह निरंतर ऊर्जा उत्पादन के लिए वांछित ऊंचाई बिंदु हासिल नहीं कर पाया, जिस कारण इसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया होगा। मार्स ऑर्बिटर की मदद से इसरो मंगल ग्रह से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर पाया और यह मिशन सफल रहा। मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 की मदद से लॉन्च किया गया था। इसे पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। यह लगभग 300 दिनों की अंतरग्रहीय यात्रा पूरी करने के बाद मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। भारत से पहले यह उपलब्धि सोवियत यूनियन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हासिल की थी। मंगल ग्रह पर सफल मिशन पहुंचाने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया था। भारत से पहले कोशिश करने वाले चीन और जापान के मिशन सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारत ने बेहद कम लागत में मंगल मिशन को सफल करके दिखाया था। ये मिशन जब कंप्लीट हुआ था तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा कम थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और साथ में पड़ोसी देशों ने इसकी बहुत तारीफ भी की थी। अपने आप में बहुत ही फेमस मिशन था मंगलयान। मार्स ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन के उद्देश्य मुख्य रूप से तकनीकी थे। मार्स ऑर्बिटर में 5 वैज्ञानिक पैलोट थे जो मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, साथ ही साथ मंगल ग्रह के वातावरण, एक्सोस्फीयर पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाते थे। इसमें लगे 5 उपकरणों में मार्स कलर कैमरा, मंगल के लिए मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमैन अल्फा फोटोमीटर शामिल थे। इसरो ने कहा है कि इन 8 सालों में 5 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस इस यान ने मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, इसके आकृति विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण और इसके बाह्य मंडल पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समझ प्रदान की है। यानी कि इसरो के लिए ये मिशन बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.